hello students i am here again with the third and the last part of our explanatory video of the chapter traveling with grandfather's zoo in the previous two parts we have already gone through what had happened in the train with grandparents and their grandson they had left python behind but somehow python managed to smuggle himself into the tiffin basket now what had happened we are going to see. Grandmother was sitting up on her birth. Grandmother apne birth birth bat I knew you would do something foolish behind my back. She is called it. You told me go, you told me you would got rid of that creature and all the time you have been hiding it. फ्रॉम मी मुझे पता था कि तुम मेरे पीछे से कोई बेवकूफ़ी वाली हरकत करोगे उन्होंने डांटते हुए बोला तुमने कहा था कि तुम उस क्रिएचर से छुटकारा पा चुके हो और तुम पूरे टाइम मुझसे ये चीज़ छुपा रहे थे ग्रैंड फादर टू एक्सप्लेन दैट वी हैड नथिंग टू डू विद डेट दैट द पाइथन हैड स्मगल्ड इट सेल्फ इन टू द टिफिन बास्केट बट ग्रैंड मदर वज अनकन्विंस्ड वॉट विल मेबल डू वैन शी सीज इट शी क्राइडली ग्रैंड फादर ने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है पाइथन ने खुद को ही खुद को ही टिफिन बास्केट में छुपा लिया था लेकिन ग्रैंड मदर अनकन्विंिंस्ड थी उनको हम पे भरोसा नहीं हो रहा था मैबल uh, क्या करेगी मैबल क्या करेगी जब वो इसे देखेगी उन्होंने मतलब निराशा पूर्वक रोते हुए स्वर में बोला माय आंट मैबल वाज़ अ स्कूल टीचर इन लखनऊ शी वाज़ गोइंग टू शेयर आर न्यू हाउस एंड शी वाज़ टेरिफाइड ऑफ ऑल रेप्टाइल्स पर्टिकुलरली स्नेक्स वी वोट लेट हर सी इट सेड ग्रैंड फादर बैकट गोज इन द टिफिन बास्केट Early next morning the train steamed into Lucknow. Aunt Mabel was on the platform to receive us. रिसीव अस मेरी आंट मैबुल एक स्कूल टीचर थी इस लखनऊ में वो हमारे साथ हमारे घर को शेयर करने वाली थी मीन्स हमारे साथ हमारे घर में रहने वाली थी लखनऊ में वो सारे सभी तरह के रेप्टाइल्स से बहुत डरती थी रेप्टाइल्स मीन्स जो रेंग के चलने वाले क्रिएचर्स होते हैं उनको रेप्टाइल्स बोलते हैं तो सभी तरह के रेप्टाइल्स से बहुत डरती थी और सबसे स्पेशली किससे से, किस से स्नैक्स से बहुत डरती थी हम उन्हें नहीं देखने देंगे ग्रैंड ने कहा उन्होंने उसको फिर से टिफ़िन बास्केट को वापस से रख दिया पाइथन को टिफिन बास्केट में वापस से रख दिया अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग दूसरी सुबह ट्रेन लखनऊ पहुंच गई और आंट मेबल प्लेटफॉर्म पर थी हमें रिसीव करने के लिए ग्रैंडफादर लेट ऑल द अदर पैसेंजर्स गेट ऑफ बिफोर ही इमर्ज फ्रॉम द कंपार्टमेंट विद टाइमथी ऑन अ चेन आई हैड चिप्स इन माई पॉकेट सूट केस इन बोथ हैंड्स पोपोए स्टेट पोस्ट ऑन ग्रैंड शोल्डर इवन आइंग द बिजी प्लेटफॉर्म विथ कंसिडरेबल डिस्ट्रस्ट ग्रैंडफादर ने सभी पैसेंजर्स को निकल जाने दिया उतर जाने दिया उस उससे पहले कि वो टाइमथी को चैन से चैन से बांध करके कंपार्टमेंट से बाहर निकाले मेरे पास चिप्स था पॉकेट में चिप्स कौन था स्क्वायरल था उसका पेट और सूटकेस था दोनों हा, दोनों हाथों में पोपोए ग्रैंड मदर के शोल्डर पे बैठा हुआ था और सारे प्लेटफॉर्म जो बिजी प्लेटफॉर्म थी मींस कि लोगे लो, लोगों से भरा हुआ प्लेटफॉर्म वेंडर्स से भरा हुआ प्लेटफॉर्म और वो जो ट्रेन से भरा हुआ प्लेटफॉर्म को बहुत ही ध्यान से और बहुत ही अविश्वास की नज़र से देख रहा था जैसे उसे यकीन ही ना हो रहा हो आंट मैबल अ लवर ऑफ गुड फूड इमिडियटली स्पॉटेड द टिफिफिन बास्केट पिक अप इट पिक इट अप एंड सैड इट्स नॉट वेरी हैवी आई विल कैरी इट आउट टू द टैक्सी आई होप यू वुड कैप्ट मी कैप्ट सम फॉर मी आंट मैबल जो अच्छे खाने की बहुत शौकीन हैं उन्होंने जल्दी से टिफिन बास्केट को देखा और उसे पिक कर लिया उसे उठा लिया और बोला कि ये बहुत हैवी नहीं है मैं इसे टैक्सी तक ले जाऊंगी और मैं आशा करती हूं कि आप इसमें मेरे लिए कुछ रख कर हैं होल चिकन आई सैड वी हार्डली एट एनी थिंग सैड ग्रैंड फादर इट्स ऑल योर्स आंटी आई एडेड ओ गुड एक्सक्लेम्ड आंट मै इट्स बीन इज इज सिंस आई टेस्टेड समथिंग कोकड बाय योर ग्रैंड मदर एंड आफ्टर दैट देर वॉज नो गेटिंग द बास्केट अवे फ्रॉम हर एक पूरा चिकन मैंने कहा और हमने हमने बहुत मुश्किल से ही कुछ खाया है ग्रैंडफादर ने कहा यह पूरा का पूरा आपका है आंटी मैंने इसमें जोड़ा वो खुशी से आंट मैबिल आंट मैबिल जो थी वो खुश हो गई बहुत और वो उन्होंने कहा कि ये बहुत दिन हो गए हैं, बहुत ज़माना बीत गया है जब मैंने कुछ भी तुम्हारे ग्रैंड मदर के हाथ का बना हुआ चखा हो टेस्ट किया हो और उसके बाद से कोई भी उनसे वो बास्केट नहीं ले पा रहा था ग्लानसिंग एट आई थाट आई सॉ दट बल्जिंग बट बल्जिंग

समय बहुत ही अच्छे से उसे बंद किया था लेकिन आ, लग रहा था जैसे कि आ, उस पर जैसे हमें बर्स्ट किया गया हो टकराया गया हो उस लिड को खोलने के लिए एन अनोमस 1950 फिफ्टी टैक्सी वॉज वेटिंग आउटसाइड द स्टेशन एंड द फैमिली टर्म बल्ड इन टू इट टाइम थी गॉड ऑन टू द बैक सीट लिविंग इन अफ रूम फॉर ग्रैंड फादर एंड मी आंट मैबिल सेट इन फ्रंट ऑफ इन फ्रंट विद ग्रैंड मदर द टिफिन बास्केट ऑन हल लैप एक बहुत ही पुरानी चैबलेट टैक्सी जो थी 1950 की वो हमारे लिए स्टेशन पे इंतज़ार कर रही थी हमारी पूरी फैमिली उसके अंदर चली गई घुस गई और टाइम थी क्या है बैक सीट पर चला गया और बैक सीट को उसने ले लिया और मे हम मेरे लिए और ग्रैंड के लिए उसने स्पेस छोड़ दी आंट मैबल आगे की तरफ ग्रैंड मदर के साथ बैठ गई और उस टिफिन को अपने गोद में लिए हुए टेल द टैक्सी ड्राइवर वेयर टू टेक अस डियर सैड ग्रैंड मदर ही इज़ लुकिंग रैदर नर्वस आंट मैबल गिव इंस्ट्रक्शंस टू द ड्राइवर एंड द टैक्सी शॉट ऑफ इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट। वेल हियर वी गो एंड सैड ग्रैंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सेटलिंग इन टू द न्यू हाउस टैक्सी ड्राइवर से कहो बताओ कि हमें कहाँ जाना है डियर ग्रैंड मदर ने कहा वो थोड़ा नर्वस लग रहा है मुझे आंट मैबल ने उन्हें इंस्ट्रक्शन टैक्सी ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन दिया और टैक्सी ड्राइवर टैक्सी बहुत जल्दी वहाँ से निकल गई अब हम पहुंच गए हैं है गो अब हम आ गए हैं पहुंच गए हैं ग्रैंडफादर ने कहा मैं देख रहा हूं कि कैसे इस नए घर में सेटल की हुआ जाए सेटल करने की देख रहा हूं पोपोए पोस्ट प्राउडली ऑन ग्रैंड मदरस शोल्डर कैप्ट ऑन कैप्ट वन सस्पिशियस आई ऑन द क्यूरिंग टिफिन बास्केट ऑल अबॉर्ड ही स्क्वाड ऑल अबॉर्ड वो पॉय जो बहुत ही प्राउडली ग्रैंड मदर के शोल्डर पे बैठा हुआ था वो एक तक अपनी रहस्यमयी आँखें मतलब अपनी शकी शक की आँखें उस पर टिफिन बास्केट पे रखा हुआ था जो हिल रहा था हिलते हुए टिफिन बास्केट पे रखा हुआ था सब पहुँच गए उसने फिर से बोला सब पहुँच गए When we got to our new house, we found a light breakfast waiting for us on the dining table. It isn't much, said Aunt Mabel, but we'll supplement it with the contents of your hamper. And placing the basket on the table, she removed the lid. The python was half asleep with an apple in its mouth. आंट Mabel was नो एव टू बी tempted. शी फेंटेड अवे जब हम अपने नए ना, घर पे गए तो हमने देखा कि एक हल्का नाश्ता हमारे लिए डाइनिंग टेबल पे वेट कर रहा है आ, ये काफ़ी होगा ये काफ़ी तो होगा ही आंट मैबल ने कहा लेकिन हम इसमें कुछ आ, वो सप्लीमेंट भी ऐड करेंगे जो आप इस हैम्पर में लेकर आए हो हैम्पर में हैम्पर में रखा हुआ सप्लीमेंट को भी हम इसमें ऐड करेंगे हैम्पर कौन सा हैम्पर वो जो टिफिन बास्केट था जिसमें पाइथन था आ, शी रिमूव्ड और प्लेसिंग आ, बास्केट को टेबल पे रखते हुए उसने लेड को क्या कर दिया रिमूव कर दिया ढक्कन को हटा दिया पाइथन जो कि आधा सोया हुआ था अब एक एप्पल उसके मुंह में लिए हुए वो जो आधा सोया हुआ था आंट बैबल को ज़रा भी देर नहीं लगा उसे देखने का और उत्तेजित होने का और वो बेहोश हो गई Grandfather promptly picked up the python, took, into, took it into the garden and wrapped it over a branch of guava tree. When Aunt Mabel recovered, she insisted that there was a huge snake in the tiffin basket. We showed her the empty basket. You are seeing things, said grandfather. It must be the heat, I said. ग्रैंड मदर सेट नथिंग बट पोएक इन टू श्रेक्स ऑफ मैनिकल मनाल लाफ्टर एंड सून एवरी वन इंक्लूडिंग अ स्लाइटली हिस्टेरिकल आंट मेबल वॉज डबल्ड अप विथ लाफ्टर ग्रैंड फादर ने जल्दी से पाइथन को पिक किया उसे गार्डन में ले गया और एक गवा ट्री के ब्रांच पे उसे ड्रैप कर दिया उसे डाल दिया जब आंट मैबल रिकवर हो गई होश आ गया उन्होंने तो उन्होंने ये जोर दिया कि टिफ़िन में बास्केट में क्या था एक बड़ा सा सांप था हम लोगों ने उन्हें एक उन्हें एम बास्केट जो खाली बास्केट था उसे दिखाया आप इसमें देख सकती हैं आप इसमें चीज़ें देख रही हैं ना? ग्रैंडफादर ने कहा ये ज़रूर गर्मी की वजह से ऐसा हुआ है मैंने कहा ग्रैंड मदर ने कुछ नहीं कहा लेकिन पपोए जो था वो एक कहते हैं पागल वाली हंसी क्रेजी हंसी मतलब वो जानता था कि मतलब कि कुछ हो रहा है कुछ छुपाया जा रहा है तो वो जो एक होते कनिंग कनिंग लाफ्टर ले फूट पड़ा मतलब वो हंसने लगा और जल्दी सब लोग जब आ, इंक्लूडिंग आंट मैबल जो कि अभी वो होश में नहीं आ पा रही थी वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी वो क्या हो गया डफल वो लाफ्टर से क्या हो गई वो वो भी हंसी से आ, बोलने लगी वो भी हंसने लगी